औरैया के बिधुना के सरकारी अस्पताल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस अस्पताल से एक भाई को बहन का शव घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। ऐसे हालात में उसने शव को अपनी पीठ से बांधा और बाइक पर ही लेकर निकल गया। मौके पर मौजूद किसी शख्स ने इस घटना की तस्वीरें खींच ली और वो देखते ही देखते सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के हालात पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा पर सवाल या निशान लगा दिया है। यकीनन सोशल मीडिया पर औरैया की वायरल हो रही ये वीडियो इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफी है। दरअसल बिधुना कोतवाली इलाके की नवीन बस्ती के रहने वाले प्रताप सिंह की बेटी को नहाने के लिए गर्म पानी करने के दौरान करंट लग गया। परिजनों ने आनन फानन में लड़की को बाइक पर लेकर घर से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों से शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि यहां एम्बुलेंस नहीं मिलती। बिटिया का नाम क्या था? अंजलि। अंजलि कितने साल की थी? 19 साल। 19 साल की। कैसे करंट लगा, क्या रहा? नहाने गई थी, हमको पता नहीं था, उसने स्विच ऑफ नहीं किया। रो नहीं बात बताओ, हाँ, जो गुण ना कही है सो कहो। फिर वो टांग रही थी, उस पर गुटी पर रोड उसके यहाँ लग गई। अच्छा, फिर कहाँ ले गए थे? फिर हमने देखा पर्दा खोल के, तो देखे तो वो पड़ी थी। फिर यहाँ वो हॉस्पिटल ले गए, लल्ला आया। अच्छा, मेरा उस हॉस्पिटल ले गए जी। हॉस्पिटल वाला ने मृत घोषित कर दिया अपनी मर्जी से, वो यहाँ ले आए। अच्छा, डॉक्टरों से कोई मतलब? डॉक्टर से कोई कोई मांग मांग नहीं की थी, बहाना कोई मांग की। कोई और उपाय न देखकर अंजलि के भाई ने बाइक पर अपनी बहन का शव रखा और उसके ही दुपट्टे से अपनी पीठ से बांध दिया। इसके बाद पीछे अपनी छोटी बहन को बैठाया और घर की ओर चल पड़ा। मौके पर मौजूद काफी संख्या में लोग इस घटना को देखकर हैरान रह गए। हर आदमी सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को कोसता नजर आया। वहीं वायरल वीडियो प्रकरण में अस्पताल अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया, युवती को उसके परिजन ब्रॉड डेड लेकर आए थे। पोस्टमार्टम नहीं करवाने की लिखित बात कहकर परिजन शव को अपने साथ ले गए। परिजनों के द्वारा किसी भी प्रकार के कोई भी वाहन की मांग नहीं की गई थी। वो बच्ची करीब दोपहर के समय हमारे अस्पताल में आई थी। इमरजेंसी डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया था, ब्रॉड डेड आई थी हॉस्पिटल में। और परिजन से क्या नाम पोस्टमार्टम के लिए कहा जा रहा था, तो जैसा इमरजेंसी डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने पोस्टमार्टम कराने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने लिख कर दिया कि मैं पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता हूँ। और बाद में पत्र के द्वारा पता चला कि वो सब को वाहन से अपने वाहन से ले गए थे, तो जिसमें जिसकी कोई भी जानकारी आकाश में कच्छ में उपस्थित डॉक्टर को नहीं थी। उनके द्वारा परिजन के द्वारा कोई भी ऐसी चीज़ किसी भी चीज़ की मांग नहीं की गई थी सब वाहन की, और ना मेरे पास उन्होंने कोई भी परिजन ने मेरे पास आके सब वाहन की मांग की। आपको बता दें, इस समय यूपी में स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार देख रहे उप मुख्यमंत्री प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा को सुधारने के लिए खूब काम करते नजर आ रहे हैं। इससे संबंधित आए दिन उनकी तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं। बावजूद इसके उसका कोई असर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा है।